हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीता जी का पाठ पहला अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु अयने सर्वेषु यथा भगवमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादौ विनज्योति शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भीर्यश्च प्रणमानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलो भवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती चन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माभिगोदर अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरस्य श्रीखण्डी च महारथ ज्येष्ठद्युम्नो विराटस्तु
साच्य की सबराजित द्रुवदो द्रौपदेयास सर्वसविधिविपते सौहद्रस्त महाबाहु शंखान्दधो पृथक्पृथक् सघोषो धर्तुराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभस्त पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डव अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डव वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। हरि शरणं हरि शरणं राम राम नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज चलाओ बात कोई। क्या देना हो कोई बात
नारायण 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 नारायण। गीता में कहा था आत्म संस्था मन कृत्वा न किंचित विचिंतित। परमात्म तत्व है परिपूर्ण, ऊपर नीचे बाहर भीतर चारों तरफ सब तरफ एक परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे कोई समुद्र में डुबकी लगा दे गहरे जल में चला जा तो फिर चारों तरफ जल ही जल है। अंत पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्ण कुंभ इवार्णवे अंत शून्यो बहिः शून्यः शून्य कुंभ इवाम्बरे। बर्फ का घड़ा पानी से भर करके समुद्र में डाल दे तो बाहर क्या जल है भीतर क्या जल है जो स्वयं क्या जल है। ऐसे उस परमात्मा में गहरा उतर जाए एक परमात्म तत्व ऐसे मान करके परिपूर्ण हो जाए। न किंचित विचिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। चिंतन करे नहीं, किसे न करने पर भी चिंतन हो जाता है तो हो जाता है। उससे अपना संबंध न जोड़े अर्थात तटस्थ रहे। हो जाए तो मर्जी, न हो जाए तो मर्जी, मिट जाए तो मर्जी, न मिटे तो मर्जी, अपने उसके साथ कोई संबंध नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई संकल्प नहीं कि चिंतन हो जाए अथवा चिंतन न होए। होने का भी आग्रह नहीं, न होने का भी आग्रह नहीं कि चिंतन कुछ न होए। संसार में बहुत सी क्रियाएं होती है शुभ बहुत सी अशुभ, उनसे हमारे को न शुभ क्रियाओं का पुण्य होता है न अशुभ क्रियाओं का पाप। ऐसे ही मन के संकल्प से अगर तटस्थ रहे तो उनका न दोष होता है न गुण होता है, न शुभ होता है न अशुभ होता है, न प्रशिष्ट प्रियम प्राप्य नो प्राप्य सा प्रियम। ठीक और बेठीक ऐसा माल भी हो जाए भी ये उचित है ये अनुचित है ऐसा मालूम भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं। उचित से मतलब है न अनुचित से मतलब है, न शुभ है न अशुभ से कोई मतलब नहीं। अपने आग्रह न चिंतन से है न चिंतन से है, किसी से आग्रह नहीं। अगर ऐसे रह जाए तो थोड़ी देर में ध्यान हो जाए, ध्यान भी पक्का रहे तो स्वाधी हो जाए स्वतः स्वाभाविक आप। क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है, नियम है।
इस तरह से संकट बिगड़े कुछ भी पैदा हो तो वे शांत होने वाले हैं, मिटने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। हम उनको आदर दे देते हैं, सत्ता दे देते हैं, ठीक अथवा बेठीक मान लेते हैं, इससे संबंध जुड़ जाता है। संबंध जुड़ने से वे सजीव हो जाते हैं, अगर संबंध नहीं जोड़े तो निर्जीव हो जाते हैं। भगवान अवतार लेकर घूमते हैं, उस समय में कोई प्रेम करता है तो कल्याण हो जाता है, बैर करता है तो कल्याण हो जाता है। ना बैर करे ना प्रेम करे ऐसे ही घूमे तो कुछ नहीं, कोई संबंध न जोड़े तो संबंध न जोड़ने से उसका कल्याण हो जाए ये बात नहीं है। उसमें तो फिर भी हो सकता है, परंतु संकल्प के होते हैं, इनके संबंध न जोड़ने से कुछ नहीं है। कान के और परमात्मा नित्य है और ये संकल्प विकल्प अनित्य है, ये फर्क है। तो आप से आप नष्ट हो जाते हैं और है जो तत्व रह जाता है में वो परमात्मा ही रहते हैं। ऐसे न हो सके तो आगे श्लोक बताए, तो निस्तर मनस्तर आत्मनियोग जहाँ जहाँ जिस स्थिति से मन जावे वहाँ से ला करके परमात्मा में लगा दे, ये दो नंबर की चीज है। वैसे अगर स्थिर न हो तो जो चिंतन आवे उसको छोड़कर अपना इष्ट परमात्मा में लगा दे। तुम छोड़ छोड़ परमात्मा में लगा दे एक रीति भगवान है, अनेक रूप रूप आया, अनेक रूप से भगवान प्रकट होते हैं, उनके रूपों को कोई अंत नहीं है। तो जो आवे ये भगवान का स्वरूप है, जो ही आ जाए पक्का विचार कर रहे कि मेरा मन सिवाय भगवान के और को याद करता ही नहीं, और मेरे मन में सिवाय भगवान की कुछ याद आता ही नहीं, जो ही याद आवे परमात्मा है, और परमात्मा ही याद आते हैं, ऐसा कर ले। ये दो नंबर की बात बताई, फल एक नंबर हो जाएगा। चाहे कुछ भी चिंतन न करे उसका फल भी वही होगा, जो चिंतन आ जाए वही परमात्मा है, इसका भी फल वो एक ही होगा। न किसी भी चिंतन न कर सके, जो चिंतन हो वही है। उसने एक बात बताई खास करके, दृढ़ कर दे कि अभी मैं भगवान का चिंतन करने के लिए बैठा हूँ तो मेरा मन सिवाय भगवान की और किसी का चिंतन करता ही नहीं, तो चिंतन आ जाए वो भगवान का ही स्वरूप है। और जब भगवान के लिए बैठा हूँ, परमात्मा का चिंतन करने के लिए बैठा हूँ, तो परमात्मा ही आएंगे किसी रूप से आवे,
राम कृष्ण आदि रूप से आ जावे, गाय रूप से आ जावे, गंगा जी के रूप से आ जावे, कोई दुष्ट रूप से आ जावे, कुछ भी दिख जावे, कुछ भी आ जाए, परमात्मा है तत्व से, क्यों वासुदेव सर्व में थी सब आत्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में वासुदेव सर्व इसी माम प्रपद्यते से मेरे शरण होता है, तो ये भी शरणागति का एक प्रकार है। सब कुछ परमात्मा ही है, जैसे मैं परमात्मा का ही हूँ और परमात्मा ही मेरे है, ऐसा है इस तरह से जो दिखे वो परमात्मा ही है, परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर कुछ भी चिंतन हो कोई परवाह नहीं, दृढ़ यही है कि परमात्मा ही आएंगे हमारे चित्त में, दूसरा आ सकता ही नहीं, कैसे आएगा। जैसे नामदेव जी महाराज के घर जल गया, आग लग गई, तो पास में दूसरी चीज लगी वे भी तो जल दी, क्योंकि ये भगवान आए हैं मेरे घर में, मैं आ सकता हूँ और मेरे बिना पूछे भगवान ही आ सकते हैं, मुझे आ सकता कैसे है, कोई आ ही नहीं सकता, भगवान ही आए हैं, भगवान के ही भोग लगाना है, सब कुछ उसी की वस्तु है, उसी के ही अर्पण कर देना है, उसी में सब कर दिया, भगवान का अर्पण कर दिया। सब मनुष्य जो भोग लगाता है भगवान के, वो भगवान का प्रसाद हो जाता है, बतासा लगाता है तो बतासा भी भगवान का हो गया, मखाना लगाता मखाना भगवान का हो गया, उसी का ही वो प्रसाद देता है, यदि खुद को भी वही प्रसाद मिलता है। इस रीति से सब भगवान के अर्पण कर दिया, तो भगवान को मकान बनाकर देना पड़ा, नामदेव की छान छुआई, तो छुआने वाले भगवान खुद बना करके दे दिया, वही क्यों दे दिया कि उसको उसमें भगवान के ही अर्पण किया हो, तो जो अर्पण करे वही प्रसाद दिया जैसा है, जो अर्पण किए वही प्रसाद, घर अर्पण करे तो घर में भी प्रसाद दे दिया। ऐसे अपने मन में जो कुछ आवे परमात्मा ही का ही स्वरूप है, सावधान रहे बस। सावधानी क्या, मेरे मन में जो आएगा वो परमात्मा का स्वरूप ही होगा, क्योंकि मैं परमात्मा के लिए ही बैठा हूँ, तो दूसरा कैसे आएगा, परमात्मा ही आएगा। किसी रूप से आवे, मनुष्य रूप से आवे, पशु रूप से आवे, पक्षी रूप से आवे, वृक्ष रूप से आवे, नदी रूप से आवे, पत्थर रूप से आवे, पहाड़ के रूप से आवे, परमात्मा है ही परमात्मा, क्योंकि तत्व से परमात्मा ही है और मैं परमात्मा को ही चाहता हूँ, तो चीज कैसे होगी। तत्व से है भी परमात्मा और मैं भी परमात्मा को ही चाहता हूँ, और दूसरी चीज कैसे आवेगी, कहाँ से आवेगी, क्या आवेगी, से परमात्मा ही केवल, ऊंची से ऊंची बात है ये,
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उस महात्मा की बात है, फिर सिद्धि में ही बात हो जाएगी, ही हो जाएगा। फिर चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते, सर्वथा वर्तमान सबसे बर्ताव करता हुआ भी वह योगी भगवान में बर्ताव करता है। क्यों सर्वभूत स्थिति भजते संपूर्ण प्राणियों में परिपूर्ण है, उसके साथ जब एक हो गया तो मेरे में ही बर्ताव करता है। और कैसे करेगा, कहाँ जाएगा, कौन आएगा, केवल क्योंकि तत्व से परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। मतलब पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, अन्यत किंचित भी नास्ति, है नहीं। और मैं और चिंतन के लिए बैठा ही नहीं, मैं बैठा ही भगवान के चिंतन के लिए ही हूँ। दोनों तरफ से मेरा उद्देश्य भगवान के ही चिंतन का है और तत्व से परमात्मा ही है, तो फिर दूसरी चीज कैसे आएगी, दूसरी है ही नहीं। मैं परमात्मा के लिए बैठा हूँ तो मेरा मन सिवा परमात्मा को और चिंतन करेगा ही नहीं, तो आएगा वो भगवान का स्वरूप ही होगा, और कोई आवश्यकता ही नहीं। एक परमात्मा ही परिपूर्ण है ना, उसे परमात्मा ही है। दिखने जो संसार दिखता है, चीजें दिखती है, दिखती है उस तत्व के न जानने से। जैसे कोई परिचित आदमी मिल जाए और उसे बातें होती है, परिचित होते ओहो आप ही थे, मैं तो आपको पहचाना नहीं, आप ही थे गांव भाई, मैं ही था, इस तरह की बात है। ये परमात्मा के न पहचानने से तो और आता है, और दिखता है, पहचानने से वो एक वही परमात्मा है। दोनों तरफ से मेरा चिंतन करने का ही बात विचार भगवान का है, और स्वरूप जितना है मात्र भगवान का है। फिर दूसरी चीज कहाँ से आवे, कैसे आवे, क्यों आवे, तत्व एक ही है ही, वही एक ही। नारायण 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 नारायण, सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा,
परिपूर्ण है, सम शांत आनंद घन चित घन सब घन। सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि, घन सोष ठोस भूमाचर शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा। भूमाचल व्यापक, भूमा नाम व्यापक, अचल सलता में चले गए, ठोस है। चलने की गति तब होती है जब दूसरी जगह मैं नहीं होता हूँ, तो जिस जगह से उससे दूसरी जगह जाता हूँ तो चलन होता है। सब जगह ही वो परिपूर्ण है तो चले कैसे, निश्चल असला चल अनुले अमर आसान अर्थोले निर्भग निजानंद पद न्यारा परम गुरु परमेश्वर प्यारा अजरामर अखंड अनुभंगी हवा अकार एक अनुभय अनुभंगी असर एक अनुभंग न जायो मात पिता नहीं मोन गोद खिलायो नाम मोन ग्रह नहीं बोले खालक कलक पलक नहीं खोले ना कुछ हल्का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी। ऐसे एक आत्म परमात्मा है परिपूर्ण हो रहा है, सम शांत सद घन सिद्ध घन आनंद घन है।